आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ललिता अपने यूट्यूब चैनल सोम लता बिदवाल में आपका स्वागत करती हूँ। जय ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर महादेव आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पूर्ण करें और अपनी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनाए रखें। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 4:30 बजे से। 4:30 हो गए हैं तो जो मेरी योगा क्लास जाने की तैयारी हो गई है और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। पूजा वगैरह सब हो गया है तो भगवान के चरणों से आप ये दिन की शुरुआत कीजिए। खूबसूरत वो अंदर सब सूरत है। मैं यहाँ बाहर पे आ रखी हूँ, बाहर पे बना रही हूँ क्योंकि मेरी जाने की तैयारी हो गई है। तो मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। तो चलो चलते हैं, मिलती हूँ आपको ठीक योगा क्लास में। क्योंकि मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि सब सो रखे हैं तो सबका डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो अब मिलती हूँ आपको योगा क्लास में। कुछ इस प्रकार का कर रखा है मैंने अपना हो लिया क्योंकि बहुत ही ठंडा लग रखा है। मैं नहा के आ रखी हूँ और यहाँ पे तो पहुँच गई हूँ मैं स्कूल के गेट पर। और बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का रखा है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रखा है। ये कुछ इस प्रकार का हो रखा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी। सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, आ जाए स्टैंड में। झुकाएं कमर आगे और बनारी सर हमारे सबसे वरिष्ठ। पूजनीय विपरीत दिशा में जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पकड़ी जी, आपने तो बहुत अच्छे से सीखा है। हनुमान जी की चक्की बहुत अच्छा आटा पीस रही है। शांत, एक दो गहरी लंबी लयबद्ध, एक साथ श्रद्धा युक्त, तत्पश्चात गायत्री मंत्र, भावार्थ मंच की ओर से ओठों को घुलाकर ओ बंद करते हुए मां ध्यान ध्वनि पर सांस भरें। भुजाएं तान के रखें और लुढ़कना दाएं बाएं लुढ़कना प्रारंभ करें।
लुटके हैं। अपने में गिनती करें, करीब 10 तक गिने। इसके आपके पेट के अंग और निष्कासन अंग दोनों प्रणाली सुदृढ़ बनती है। आपके कटी जाए जहाँ पर छोटे अतिक्रमण बिल्कुल ना करें। सांसों को सामान्य करते हुए विश्राम करें। विश्राम मकरासन की कक्षा ने विराम ले लिया है। यहाँ पे सब अपने अपने आसन बटोरने लग गए हैं। यहाँ देखिए अपने आसनों पे लगे हुए हैं। ये देखिए तो हो गई है योगा समाप्त। तो मैं आ गई हूँ घर पे, अभी रास्ते में हूँ। तो अभी लगभग 6:15 हो रहे हैं सुबह के। तो अभी थोड़ा अंधेरा से ही है, अंधेरा तो नहीं है पर ठीक ही हो गया है। तो आजकल लेट में खुल रहे हैं रात, तो 6 बजे भी थोड़ा सा वैसे ही लगता है, अंधेरा सा हो रहा है मगर है नहीं। तो चलो चलती हूँ घर पे, तो करती हूँ अपने दिन की शुरुआत। तो हो गया है दिन के लंच बनाने का टाइम। तो योगा क्लास से आके मैं वीडियो नहीं बना पाई और अब बना रही हूँ मैं। लंच टाइम हो गया है, कम से कम लगभग बज गए हैं 1, तो मैं बना रही हूँ लंच। और लंच में बन रही है आज खूबसूरत अपनी मेहनत की, अपनी क्या मतलब सासू माँ की मेहनत की, तो बन रही है गांव की दाल जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी होती है। झिटकंडी दाल बोलते हैं हमारे यहाँ, रियास बोलते हैं उसे। तो यहाँ उसको झिटकंडी झिटकंडी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इस ये लोई की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, और ये होती है मैंने उबाल के कर दी है वो तैयार। तो इसमें गाँव की छीमी भी है और रयास भी हैं। तो यहाँ इसको झिरकुंडी कुछ ऐसी नाम से पुकारते हैं। तो ये देखिए सुंदर लोहे की कढ़ाई में दाल का कलर हो जाएगा ब्लैक। तो ये दाल बनके हो गई है, उनकी हो गई है रेडी। तो अब रखती हूँ मैं कुकर में चावल। तो दिन के लंच और लंच का लुत्फ़ उठाइए और आइए हमारे साथ लंच का मज़ा लीजिए, थोड़ा सा गांव की दाल का हम भी टेस्ट चख लेते हैं। तो गांव में तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी होती है, तो यहाँ नहीं बन पाती उतनी स्वादिष्ट जितनी गांव में होती है। तो गांव का स्वाद और गांव का पानी तो बहुत ही सुंदर होता है, तो इसलिए हम कभी कभी गांव की दाल भी बना लेते हैं। तो आज बच्चों की छुट्टी है, वैसे है छठ पूजा, तो आज बच्चों की छुट्टी है तो सब लोगों को छठ पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो मेरे साथ जिनका छठ पूजा का त्यौहार है वो भी जुड़ रखे हैं, तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और माँ छठी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। हमें तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मगर छठ पूजा छठी माता की पूजा होती है आज, तो बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं इस त्यौहार को। तो सब के त्यौहार बहुत ही अच्छे से और सुंदर हों, तो माता रानी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तो इन्हीं कामनाओं के साथ, तो आज बच्चों की भी छुट्टी है, तो आप छठ पूजा की तो सब घर पे हैं, तो
तो इसलिए मैं खाना जल्दी बनाने लगी है। आजकल बच्चों का स्कूल लेट का हो गया है, तो बच्चे कम से कम 2:30 बजे आते हैं स्कूल से, तो आते आते 3 बजाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आलू की दाल ही बना लूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो घर पे रहते हैं तो रौनक रहती है। तो हो गया है दिन के 4 बजे का टाइम और चाय पीने का टाइम हो गया, तो वीडियो को मैंने एंड नहीं किया था। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता रानी की। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। बाय।